अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूं तो दुनिया भर में अल्लाह पाक के मौजज़े और करामात इतनी ज़्यादा मशहूर हैं कि जिसे सुनने और देखने के बाद इंसानी अकल दंग रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। अब फिर से एक और मौजज़ा हुआ है, और वो हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर में उस वक्त ये मौजज़ा पेश आया जब आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग हुई, और एक शख्स जो कि गाड़ी के अंदर सवार था, जब वो गाड़ी नीचे से गुजर रही थी तो ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उस गाड़ी के ऊपर गिर गईं, और जब वो उस गाड़ी के ऊपर चट्टानें गिरी तो वो गाड़ी उसके नीचे आ गई और उस गाड़ी का सत्यानाश हो गया। उस गाड़ी का कुछ भी ना बचा, और वो गाड़ी एक दूसरे में, आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कि उस गाड़ी का कचूमर निकल गया। लेकिन जब वहाँ पर लोगों ने पहुँचना शुरू किया और उस आदमी को देखना शुरू किया, और लोगों ने कहा कि ये आदमी ज़िंदा नहीं बच सकता क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ही ज़मीन के साथ जुड़ चुकी थी, लेकिन जब लोगों ने उस आदमी को देखा तो वो आदमी अभी भी ज़िंदा था। और जब लोगों ने उसको ज़िंदा पाया तो लोगों ने फौरन उसकी मदद के लिए गए और उस गाड़ी को काट कर साइड से उसमें से उस आदमी को बाहर निकाला, और उस आदमी को हैरान कन तौर के ऊपर चंद हराशें आई थीं, चंद जख्म आए थे, और वो आदमी बिल्कुल ज़िंदा और सलामत था। उसके बाद उस आदमी को हस्पताल पहुंचाया गया, वहाँ पर उसकी तिबी इमदाद की गई, और अब वो आदमी अपने घर पर मौजूद है। ये अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा है जो कि आज़ाद कश्मीर में पेश आया है, और इसको देखने के बाद तमाम लोग दंग रह गए हैं कि इतनी शदीद किस्म की लैंडस्लाइडिंग और इतने बड़े बड़े पहाड़ उस गाड़ी के ऊपर गिरने के बावजूद ये आदमी ज़िंदा बच गया, और ये किसी भी मौजज़े से कम नहीं है। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।